वर्ष 2017 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली बिग बॉस फेम पॉर्न स्टार अभिनेत्री सनी लियोनी, जिनका नाम सुनकर अक्सर कई जिसमों में हलचल मचनी शुरू हो जाती है, दिल में नया जोश आ जाता है। आज की इस वीडियो में उन्हीं सनी लियोनी का बर्थ चार्ट हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कि किन योगों ने उनको पॉर्न स्टार बनाया और किन योगों ने उनको इतनी सफलता दी, इतना नेम फेम दिया कि 2017 में गूगल पर सबसे ज़्यादा उनको सर्च किया गया। आप जो बोर्ड पर ये बर्थ चार्ट देख रहे हैं, ये सनी लियोनी का बर्थ चार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन योगों ने उनको पॉर्न स्टार बनाया और फिर बात करेंगे कि किन योगों ने उनको इतनी सफलता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनी लियोनी अपने आप में बहुत ही सेक्सी फिगर वाली हैं, तो सबसे पहले उनकी सुंदरता का राज ही इस कुंडली से जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि लगन में शुक्र की राशि है और लग्नेश सुधा राशि है। नारी ज्योतिष का नियम है, जब भी किसी मेल या फीमेल के बारे में जानना हो तो आप उसके जीव कारक ग्रह यानी कि फीमेल चार्ट में शुक्र और मेल चार्ट में गुरु को लगन बना लीजिएगा। उस पर आने वाले प्रभाव आपको बता देंगे कि इसका क्या व्यक्तित्व होगा, इसका लुक कैसा होगा और इसकी पूरी लाइफ किस तरह की रहने वाली है। अब आप देखेंगे कि लगन में शुक्र की राशि है। लगन में शुक्र की राशि होना अपने आप में इंडिकेट करती है कि ये लेडी अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, और उसके बाद जो जीव कारक ग्रह है शुक्र, वो खुद से स्वराशि है। शुक्र अपने आप में मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने वाला प्लैनेट है, और जब वो स्वराशि हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है। शुक्र की राशि में अगर शुक्र बैठेगा तो सुंदरता को चार चांद लगा देगा। तो आप कह सकते हैं कि सनी लियोनी एक बहुत ही बेहतरीन फिगर वाली लेडी हैं। और उसके बाद आप देखेंगे लगन पर मंगल की दृष्टि है। लगन पर मंगल की दृष्टि आने से वो फिगर में बहुत ही शार्पनेस दे रहा है, उनके फीचर्स में बहुत ज़्यादा शार्पनेस दे रहा है, क्योंकि मंगल अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो कि एथलीट बॉडी देता है, जो कि इंसान को मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देने के साथ साथ एकदम चुस्त और दुरुस्त बनाता है। जब तक लगन पर या जीव कारक ग्रह पर मंगल का प्रभाव नहीं होगा, तब तक अगर कोई इंसान सुंदर भी है तो उसकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन नहीं होगी, क्योंकि मंगल ही वो ग्रह है जो कि आपको एक्टिव रखता है। अब बात करते हैं किन योगों ने इनको पॉर्न स्टार बनाया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, और जीव कारक ग्रह पर आने वाले प्रभाव आपको बता देंगे कि इसका करैक्टर कैसा होगा, ये किस तरह से अपनी लाइफ जिएगा, इसके विचार किस तरह के होंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शुक्र जो कि जीव कारक ग्रह है वो अष्टम भाव में बैठा है, और अष्टम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को शो करता है। अब लग्नेश का और जीव कारक ग्रह का खुद से अष्टम भाव में स्वराशि होकर बैठना, ये शो करता है कि इस पर्सन के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेकर काफ़ी विचार हैं, किंतु इतना पर्याप्त नहीं होता किसी पर्सन का करैक्टर जज करने के लिए। आप देखेंगे काम सुख और काम विचारों के लिए जो मुख्य भाव हैं वो सप्तम और अष्टम भाव है। इन पर आने वाले प्रभाव और जीव कारक ग्रह पर आने वाले मिश्रित प्रभाव ही आपको बताते हैं कि इस पर्सन का करैक्टर कैसा होगा। अब आप देखेंगे सप्तम भाव में मंगल बैठा है। अब किसी इंसान के अंदर काम विचार और सेक्स करने की एबिलिटी तो तभी होगी ना जब उसकी बॉडी में एनर्जी होगी। अब आप देखेंगे मंगल बैठा है सप्तम भाव में, और मंगल है एनर्जी का कारक ग्रह। सप्तम भाव आपके काम सुख का भाव है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर काम शक्ति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मंगल एक तो स्वराशि है और मंगल बैठा है उच्च के सूर्य के साथ। अब मंगल जब उच्च के सूर्य के साथ में बैठेगा तो मंगल अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और मंगल स्ट्रांग होकर प्रभाव दे रहा है आपके सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव को जब प्रभाव दे रहा है तो यहाँ पर सीधा सा पता चलता है कि काम शक्ति बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद आप देखिएगा शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, तो सप्तम और अष्टम भाव दोनों ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर सेक्स करने की काफ़ी एबिलिटी है। अब इतना ही पर्याप्त नहीं होता किसी पर्सन के करैक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, क्योंकि सेक्स के विचार और सेक्स की एबिलिटी अपने आप में एक अलग चीज़ है, और एक पॉर्न स्टार बनना या मल्टीपल रिलेशंस रखना अलग चीज़ है। उसके लिए आपको आगे देखना होगा शुक्र के ऊपर आने वाले प्रभाव।
प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपसे कहा था, अनूप जलोटा का बर्थ चार्ट जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तब मैंने आपसे कहा था, जब भी किसी मेल या फीमेल चार्ट में लाइफ इंडिकेटर यानी कि जीव कारक ग्रह के ऊपर मल्टीपल अपोजिट सेक्स वाले प्लैनेट्स का इफेक्ट आता है तो ऐसे पर्सन के मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। अब आप यहां देखेंगे शुक्र के ऊपर जो प्रभाव है, वो शुक्र के ऊपर बुध का प्रभाव है, त्रिकोण से शनि का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है और चंद्र का प्रभाव है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि मैंने आपको नपुंसक ग्रह के बारे में बताया था जो कि चार्ट के हिसाब से अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। उनमें मैंने आपको बताया था शनि और बुध के बारे में कि मेल चार्ट में ये एज ए फीमेल प्लैनेट वर्क करते हैं और फीमेल चार्ट में ये एज ए मेल प्लैनेट वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे शुक्र के साथ में जो बैठा है वो बुध बैठा है जो कि पहला तो एक एज ए मेल प्लैनेट वर्क कर रहा है। अष्टम भाव में एक मेल प्लैनेट बैठा है शुक्र के साथ में, तो ये शो कर रहा है कि शुक्र का संबंध एक मित्र के साथ है, एक मित्र के साथ है। किंतु बुध अपने आप में मल्टीपल का भी कारक है। बुध अगर ऐसी स्थिति में फंसे जहां पर कि मल्टीपल प्लैनेट्स के रिलेशन जीव कारक ग्रह के साथ बन रहे हैं तो वहां पर आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि यहां पर इस पर्सन के मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। और अक्सर देखा गया है जिन चार्ट्स में मल्टीपल रिलेशंस होते हैं वहां पर जीव कारक ग्रह पर इस तरह के प्रभाव आते हैं जैसे कि इस कुंडली में है। अब आप देखिएगा बुध का प्रभाव हो गया और शनि का प्रभाव हो गया जो कि जेंडर चेंज करते हैं, नपुंसक ग्रह यानी कि मेल प्लैनेट्स का इफेक्ट आ गया। अब उसके बाद आप देखेंगे गुरु का प्रभाव हो गया और चंद्र का भी प्रभाव है। हालांकि शुक्र को ज्योतिष में लष्ट का काम वासना का कारक माना गया है किंतु जब शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव आता है तभी काम वासना का जन्म होता है, तभी वो एक्सट्रीम लेवल पर लष्ट को शो करता है। तो यहां पर ये पूरा योग मल्टीपल रिलेशंस को शो कर रहा है। अब मल्टीपल रिलेशंस किसी पर्सन के होना ये इंडिकेट नहीं करता कि ये बायोसेक्सुअल भी होगा या किस अलग अलग जेंडर्स के लोगों के साथ संबंध रखेगा, सेम जेंडर के लोगों के साथ भी संबंध रख सकता है। अब उस चीज को इस चार्ट से कैसे समझें, देखिएगा अगर इस तरह के योग बने और वहां पर राहु केतु का इफेक्ट आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन अपनी काम वासना के लिए ये नहीं देखेगा कि सामने वाले का जेंडर क्या है, नेचुरल है अननेचुरल है या सही है या गलत है। अब आप देखेंगे इस कुंडली में इस पूरे योग में चतुर्थ भाव से केतु भी ज्वाइन करता है त्रिकोण के माध्यम से, तो ऐसे में सीधा सा पता चलता है कि यहां पर मल्टीपल सेक्स रिलेशंस होंगे और वो किसी के भी साथ हो सकते हैं। अब ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ ये नाड़ी ज्योतिष के रूल्स के हिसाब से हैं। अगर आपको नाड़ी ज्योतिष नहीं आती है तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें फंडामेंटल्स को बताया गया है किस तरह से कौन सी दृष्टि काम करती है, किस तरह से रिलेशंस नाड़ी ज्योतिष में बनाते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन की कि इन्होंने क्यों पॉर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और किन योगों ने इनको इतनी सक्सेस दी। देखा प्रोफेशन के लिए मुख्य रूप से आपको शनि को देखना होता है नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से और दशम भाव और दशमेश का एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले इस कुंडली के दशम भाव को ही देख लेते हैं। आप देखेंगे दशम भाव में यहां पर राहु बैठा है। अब राहु क्या शो करता है, राहु शो करता है अननेचुरल वे या फिर इस तरह से कि क्या सही है या क्या गलत है उस चीज को नहीं देखना। और उसके बाद कहीं ना कहीं जब किसी पर्सन की कुंडली में राहु का दशम भाव पर या दशमेश पर प्रभाव आता है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जो प्रोफेशन में लोग होते हैं वो कई बार या तो उनसे नीचे के स्टेटस वाले होंगे या फिर कहीं ना कहीं कई बार बैड हैबिट्स वाले या बैड नेचर वाले पर्सन्स आपको मिलेंगे। तो दशम भाव पर पहले तो राहु का प्रभाव आता है, वो शो कर रहा है कि यहां पर जो प्रोफेशन होगा वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा। अच्छा इन द सेंस कि जो सोसाइटी में एक्सपेक्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राहु अक्सर ऐसे प्रभाव देता है जो कि समाज में स्वीकार्य नहीं होते। अब उसके बाद आप देखिएगा शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव। शनि बैठा है
12 भाव में और शनि पर इस पूरे योग का प्रभाव है, जो कि मैंने आपको यहां डिस्क्राइब किया, जो कि मल्टीपल रिलेशंस को शो कर रहा है। तो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो प्रोफेशन होगा वो अपने आप में इस तरह का हो सकता है, और दशमेश के ऊपर भी ये सारे प्रभाव है। अब ये सारे प्रभाव होने के बाद इंसान को पॉर्न इंडस्ट्री में जाने के लिए, इस तरह का वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड होना भी पड़ता है। अब बोल्डनेस का क्या योग है यहाँ पर कि भाई समाज के बारे में नहीं सोचना, दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना, जो मुझे सही लग रहा है मुझे वही करना है। उसके लिए उस पर्सन की कुंडली में 6 भाव 8 भाव और 3 भाव का कहीं ना कहीं संबंध बनना ही बनना चाहिए। आप देखेंगे इस कुंडली में षष्ठेश और तृतीयेश गुरु है, जो कि अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर दृष्टि दे रहा है। तो यहां पर 6 8 और 3 का योग भी बनता है, जो कि बोल्डनेस दे रहा है। और ये सारा प्रभाव क्योंकि चंद्र के ऊपर भी आ रहा है, तो यहां पर एक इस तरह की मेंटालिटी दे रहा है कि जो मैं सोच रही हूं, जो मैं कर रही हूं, वो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि इस कुंडली में इतने जबरदस्त फेम के क्या योग हैं। देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी किसी पर्सन की कुंडली में शनि स्ट्रांग होगा तो वहां पर उसको अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अब आप देखेंगे इस कुंडली में शनि और गुरु का कर्म धर्म योग है। शनि और गुरु का कर्म धर्म योग होना अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि यहां पर इनको अपने प्रोफेशन में काफी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। उसके बाद यहां पर क्योंकि अष्टमेश अष्टम भाव में है और व्ययेश भी अष्टम भाव में है, ये अपने आप में एक विपरीत राजयोग बना रहा है। हालांकि लग्नेश का अष्टम भाव में होना बहुत ही अच्छा इंडिकेशंस नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि उन्होंने उस प्रोफेशन को चुना जो कि अष्टम भाव को स्ट्रांग करता है, अष्टम भाव से रिलेटेड है, तो ऐसे में ये विपरीत राजयोग भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा दे रहा है। और उसके बाद दसम भाव में राहु बैठा है और दसम भाव के राहु के लिए कहा जाता है राहु दस में दुनिया बस में। तो अपने आप में ये योग इंडिकेट करते हैं कि इनको अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य यहाँ पर उचका है, मंगल के ऊपर प्रभाव दे रहा है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा योग है। अब एक योग और मैं आप से यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, हालांकि वे पॉर्न स्टार हैं किंतु जिस तरह का योग यहाँ पर बनता है शनि गुरु शुक्र चंद्र और केतु का, भले ही अष्टम और 12 भाव से संबंध है किंतु अपने जीवन के एक समय में ये विरक्ति की ओर जाने लगेंगी, इनको सांसारिक सुख और मोह माया से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट होने लगेगा और ये सब कुछ छोड़कर आध्यात्म के रास्ते पर आ जाएंगी, ऐसा इनके चार्ट में योग है। खैर, वो फ्यूचर बताएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।